नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुंदन ऑथर एवं आपका मेंटर पटना बिहार से आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल फंडामैथिक्स सीरीज में। दोस्तों, नए नए कंटेंट को देखने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस से आते हैं, रेलवे से आते हैं और बोटेनिक स्ट्रीम से आते हैं, और उनके कैलकुलेशन का सबसे जटिल भाग होता है मीटर को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। आज मैं आपको उसके एक टेक्निक के बारे में, ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसे आप देख करके उसको बहुत आसानी से बदल वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रश्न को देख करके बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए रूल होता है कि यदि एक्स किलोमीटर पर आवर एक्स के जहाँ पर कोई भी संख्या हो तो उस संख्या को हम लोग 15/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो वैल्यू आता है वो किस में आता है, मीटर पर सेकंड में आता है। इसको हम लोगों को नहीं करना है। 90% डेटा होते हैं वो होते हैं 18 से विभाजित होने वाले संख्या और 9 से विभाजित होने वाले संख्या, यदि दी गई संख्या किलोमीटर पर आवर में हो तो। 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, आप करके देख लीजिएगा इसको। 9 किलोमीटर पर आवर 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। 18 का आधा 9 है तो 5 का भी आधा ये होगा। और अगर आपको इसे को आसानी से याद रखना है तो 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर के, जो हम लोग 5/18 करके देखते हैं तो 5 बराबर होता है 18 के। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, हम लोग लिख सकते हैं 18 × 36, या ये संख्या को आप 18 से डिवाइड करें कितना आएगा 2। 18 × 36 और 18 किलोमीटर पर आवर हमारा किसके बराबर था, 5 मीटर पर सेकंड के, यानी 5 × 5 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 × 3 = 54 क्या हो जाएगा 18, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर, 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग कर सकते हैं 18 × 6, 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड। अब संख्या हम लोग लेते हैं 9 से डिवाइड होने वाला, इसको आप 9 से करें कितना होगा 3, या लिख सकते हैं 9 × 3 = 27 और 9 किसके बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। 2.5 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7.5, यहाँ पे हम लोग करेंगे 9 × 5, 9×5 = 45 और 9 हमारा किसके बराबर है 2.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। हम लोग इससे 2.5 से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को कितना होगा 5×2 = 10 और ये 2.5 = 12.5 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसके वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे बहुत शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।